आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। पेशा तो लिखाया था आप लोगों ने कागज में समाज सेवा, और कटलरी कहा इटली और फ्रांस की है, गाड़ियां कसम भगवान की ऐसी ऐसी क्या छूने में डर लगे कि मेरी ना हो जाए क्या, 4 करोड़ 4.5 करोड़ कीमत की क्या साइकिल तक मर्सिडीज कंपनी को है वो बनाया उसकी ले ली। इतना तो लोकतंत्र ने कर दिया, कितनी तरक्की चाहिए भारत को, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। बाकी देश का हुआ नहीं हुआ, नेताओं की तो तरक्की हो गई ना। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बहुत मजेदार होने वाली है, अंत तक देखना। वीडियो के बारे में अपना राय कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है, और किसी भी हालत में हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और यही कारण है कि वो जबरदस्ती हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। और दूसरा कारण है कि दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम हो रहे हैं और अब पंजाब के अंदर अच्छे काम होने चालू हुए हैं, ये वो काम नहीं कर पाते, ये अच्छे स्कूल नहीं बना सकते। 30 साल में इनसे गुजरात में एक स्कूल नहीं बना, मध्य प्रदेश में एक स्कूल नहीं बना, तो ये जो अच्छे काम हम कर रहे हैं वो ये कर नहीं सकते। सो एक ही तरीका इनको मिला है कि हमें बदनाम करो, हमें कुचल दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, बर्बाद कर दो। वेक अप टू रियलिटी। त्रिपाठी जी, पांडे जी, तकी साहब, नवीन पटनायक और नीतीश कुमार, इनको ईडी सीबीआई ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया, इनके घर में छापामारी क्यों नहीं कर दी? ये आप लोगों से कम बड़े नेता हैं, 20-20 साल से तो चीफ मिनिस्टर है, सारी सिसोदिया कोई को पकड़ने आती पुलिस, और उसको क्या नाम है अपना सत्येंद्र जैन, कुछ तो गड़बड़ किया होगा ना। नहीं, नवीन बाबू को क्यों नहीं पकड़ रहे? उन्होंने तो बीजेपी का सुपड़ा ही साफ कर दिया। अशोक पांडे जी मेरी बात सहमत होंगे, जमीन से लेके आसमान तक पूरे उड़ीसा से बीजेपी वाइप आउट कर दी, कांग्रेस भी बीजेपी भी। क्या वहां तो नहीं सिपाही गया कि भाई नवीन बाबू आपने बीजेपी को बड़ा नुकसान किया, अब आप बाहर नहीं रह सकते? नहीं, बीजेपी के सारे मंत्री भगा दिए थे, लिटरली निकाल दिए थे मंत्रिमंडल से, भगा उनको। क्या नीतीश बाबू कितनी बार बीजेपी को पटकनी दे चुके, उनकी कुंडी नहीं खटखटाई? इसका मतलब जिनकी कुंडी खटखटा रहे हैं उनके दरवाजों के भीतर कुछ है, और जो है वही पकड़ा जाएगा, जिसके यहां नहीं है वो कैसे पकड़ा जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात कहता हूं कि भैया आप रुक जाओ, तक फिर थोड़ी गंभीर बात करो, आप रुक जाओ, हो गया कम ज्यादा नहीं, एक गंभीर बात कहता हूं। जितने बड़े नेता हैं इनके घर जाइए कभी, सब पार्टियों कह रहा हूं, और इनकी टोटल अब तक की इनकम जोड़ लीजिए, क्या उतने से ज्यादा का तो कटलरी है इनके मेज पर? क्या तो जनता समझती नहीं कहां से आया, ये मनरेगा से आया है, ये खेत में पुदीना बेच के आया है? पेशा तो लिखाया था आप लोगों ने कागज में समाज सेवा, और कटलरी कहां इटली और फ्रांस की है? ये मैं अनुभव से कह रहा हूं जो मैंने बरता है त्रिपाठी जी, क्या नेताओं के यहां क्या, और गाड़ियां कसम भगवान की ऐसी ऐसी क्या छूने में डर लगे कि मेरी ना हो जाए, क्या 4 करोड़ 4.5 करोड़ कीमत की, क्या साइकिल तक मर्सिडीज कंपनी को है वो बनाया उसकी ले ली, बोले साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे, बताओ क्या त्रिपाठी जी समझ रहे ना, साइकिल भी मर्सिडीज की लेंगे, एटलस की नहीं। और अगर देश के लिए हम चिंतित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा रोकोगे तो मैं रोने लगूंगा, इतना चिंतित हूं, तो फिर मर्सिडीज की साइकिल क्यों, एटलस की बुरी है और महंगी लो, हरकुलिस की ले लो भैया, नहीं मर्सिडीज की गाड़ी है, साइकिल है। बड़े नेता कहीं जाते हैं, हमारे अरविंद जी भी उसमें शामिल हो गए, ऐसा नहीं कि उनको छोटा नेता कह के मैं उनके सम्मान में कोई ठेस पहुंचाऊं, तो अपना जहाज ले जाते हैं, जैसे हम लोग ऑटो कर लेते हैं, पूरा परिवार को जाना है पूरा ऑटो कर लेंगे, कि 10 रुपया ज्यादा लगे लेकिन सुरक्षा से चले जाए, नेता पूरा जहाज कर लेते, पूरे जहाजवा में अकेले बैठे हैं लेकिन जा रहे हैं, क्या
अरे भैया टिकट लेके मत जाते, खाए पूरा ले गए 5-7-10 लाख, ये कहां से आ रहा है, ये खेत बेच के आया है, यही पूछ दूंगा ना, बुरा लग जाएगा, बोलते हैं ये 40-40 गाड़ियों का काफिला कहां से आया है, कौन माई का लाल चंदा दे रहा है आज के टाइम में किसी नेता को, मुझे तो कोई नहीं मिला जिसने कहा मैंने आज चंदा दिया, गांधी जी के समय खत्म हो गया चंदा देने का, आप काम करोगे हमको फायदा कराओगे 100 रुपया उसी में से 25 दे देंगे, ये सिस्टम चल रहा है देश में, इस बात को त्रिपाठी जी भी जानते हैं, पांडे जी भी जानते हैं, तकी साहब भी जानते हैं और अशोक भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं, गलत बात तो कही नहीं मैंने, हमें 100 रुपया पैदा कराओगे 25 पार्टी के लिए दे देंगे, यही ना, अपना खेत बेच के कौन माई का लाल पार्टी को चंदा दे रहा है जो हम ये मान ले कि आप लोग इससे संपन्न हो गए, क्या जो हाथ से खाना खाते थे थाली में दाल चावल सान के है, वो एप्रिन पहन के खाना खाने लगे और घुटनों पर भी वो बुर्राक सफेद कपड़ा डालते हैं क्या, और कांटे से बिल्कुल उठा उठा के भैप क्या, इतना तो लोकतंत्र ने कर दिया और कितनी तरक्की चाहिए भारत को, इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बाकी देश का हुआ ना हुआ नेताओं की तो तरक्की हो गई ना, मैं तो सोशल मीडिया फोटो देख लो क्या, रात की हो दिन की हो दोपहर की हो शाम की हो तो बाजी किसी की हो क्या, कभी आपको अस्त व्यस्त घर दिखा नेता का नहीं, फोटो अब सब में है, अब तो पब्लिक है, नेता कपड़ों में कभी आपको लगा कि नहीं तुड़े मुड़े पहने, नहीं ना, एक जोड़ी पजामा कुर्ते की धुलाई कितनी लग रही है हमको भी मालूम है ना ड्राई क्लीनिंग में क्या, तनख्वाह तो उतनी है, है ना, इसीलिए इस देश में भ्रष्टाचार का मसला थोड़े दूसरे ढंग से रिसीव किया जाता है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, क्या यह सच नहीं है कीर्ति निधि बाबू और त्रिपाठी जी कि जो साइकिल नहीं खरीद पाए उन्होंने एकड़ों में घर बनवाया और घर के अंदर हेलीपैड बनवा लिया, गलत कह रहा हूं क्या, पैसा कहां से आया, वो माइक्रोसॉफ्ट के चीफ इंजीनियर थे, नहीं ना, वो तो बंदूक चलाना जानते थे और कुछ जानते नहीं थे, त्रिपाठी जी जनता इन्हें पूछेगी, उनकी टोटल योग्यता बंदूक चलाना थी क्या, उनके घर में ये जहाज उतरने के लिए हवाई पट्टी क्यों बनी क्या, इसलिए जब बात कोई करता है ना देश का मन बड़ा आहत होता है, वो सबको देख रहा है, सबका वही जलवा जलाल है क्या, एक नेता के साथ में गया तकी साहब, वो बड़े सेकुलरिस्ट नेता थे इस देश के, मुसलमानों के बड़े अलंबदार थे, मुसलमानों को उन पर बड़ा ये वो भी था, त्रिपाठी जी की पार्टी के थे क्या, मैं उनके साथ एक समारोह में गया, बांदा त्रिपाठी जी कहां हमको ले गए क्या, ठाकुर साहब थे तो वहां बांदा के सर्किट हाउस में अंजीर का जूस क्या, अरे मैंने कहा दादा दादा ये अंजीर का जूस बांदा में कहां से आ गया क्या, यहां तो मौसमी का मिलना मुश्किल था, बोले नहीं हुजूर के आने से पहले सब व्यवस्था हो जाती, वो कहीं जाए क्या, क्या खाएंगे कितना खाएंगे उसका मीनू सब आ जाता फैक्स से, तब फैक्स चलता था क्या, अशोक पांडे जी और ये आपकी पार्टी के नेताओं पर भी लागू है ना, सतुआ कोई नहीं खा रहा ये भी भूल जाइए क्या, 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए क्या, तो सब अंजीर का जूस पी रहे हैं क्या, सतुआ नहीं खा रहा कोई भैया क्या, तो जनता जानती नहीं, मैं अशोक पांडे जी को हम इतने सालों जान रहे हो, मैं अचानक से इनको देखो ये मर्सिडीज पोर्शे पे चलने लगे तो मैं इनसे अकेले बुला कहूंगा कि भैया ये क्या खेल है, बाबा विश्वनाथ से अकेले अकेले पूरी कृपा ले लिए, जनता नहीं दिखती है, मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों अग्निहोत्री जी की बातों से आप लोग सहमत रखते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, इसके अलावा अपना कोई दूसरा राय है वो भी कमेंट में लिखना मत भूलना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री कृष्ण।